केसरंग बनते बनते मंडल अध्यक्ष या गणपत के अध्यक्ष विधायक नती करें ऐसा बने और कैसे आप बनेंगे, इन विषय पे थोड़ा प्रकाश डालने की जरूरत है। जब हम सरपंच बन गया, पटवारों के बड़े भाई मानता था, वो मुझको नमस्ते करने लगा, बड़ा संकोच होने लगा। हमारे बड़े बड़े सियान बुजुर्ग भी अभिवादन में पहले, क्योंकि वो बड़े लोग हम ही को अभिवादन करते हैं, क्योंकि आपको नहीं आपके पद को हमें चिंता करने की आवश्यकता है, हमारे जनप्रतिनिधियों को। उसके बाद हम जब प्रस्ताव करते हैं सरपंच पंच बैठ करके, गांव के लोग अपना अपना समस्या, पीने के पानी की कि बिजली की कि गली की कि रोड का से निकासी करें। हमारे गांव में पटवारी हमको समय पे पर्ची बना के दे रहा है कि नहीं, हमारा आपस में आपसी बंटवारा हो रहा है कि नहीं, किस हैजा फल ने बीमारी लगने की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, इन सोचने की आवश्यकता है। इस कारण ही पंचायती राज व्यवस्था में आपको पंच सरपंच जनपद सदस्य चुने। मैं जिला की बात करूं तो जिला में जिला व्यवस्था देखता है और जिला में आता है, जिला वाले ब्लॉक में देते हैं, ब्लॉक वाले आपका पंचायतों तक पहुंचाते हैं, एक अलग व्यवस्था है। पर हमारे ठेका देते हैं, हमें ठेका से पैसा मिलता है, हमारे गांव में रेत है, हमारों को उनको अलग से पंचायत में कुछ राशि राज्य सरकार स्थान शुल्क में पैसा देती है, चाहे तो मशानगंज में अगर कोई मृतक होता है उससे भी थोड़ा बहुत आमदनी होती है, कोई कुत्ता पालते हैं वो सोचना है, कोई अपना मकान बनाता है, जब सरपंच से जब तक अनुमति नहीं मिलेगा मकान नहीं, सोचने की आवश्यकता है। इस बात को हम पंचगढ़ सरपंच कहा के लोगों को चार्ज मिला है कि नहीं, चार्ज अगर नहीं मिला है तो पंचायती राज व्यवस्था में वहाँ का रजिस्टर कैसा है, क्या क्या काम हुआ, उसका आय व्यय का रजिस्टर है। सरपंच जब हम थे हमारे गांव उस समय 2, 4, 6, 8, 10 काम आपको का, सड़क का, पुल पुलिया का, तालाब का, जब प्रस्ताव चाहेंगे तो हम नक्शा के लिए भटक रहे हैं। अरे भाई नक्शा नहीं है, समय में मंग लिया सीओ ने, जल्दी नक्शा तो दो, प्रस्ताव तो मिल जाएगा। पहले से अब 30-25 नक्शा खतरा ले, आपके पास नक्शा खतरा रहे, जो बात बोले साथ है, आजकल फोटो का भी जमाना है, कई तो फोटो करा, छोटे छोटे बात को ध्यान में नक्शा खोदते रहते हैं। आपको प्रस्ताव करना है, एक ही बार में 30 काम का प्रस्ताव कर दो, नहीं तो प्रस्ताव सरपंच उपस्थित कोई जरूरी नहीं है कि पूरा मंगे, पूर्णतः सरपंच को आधा से अधिक सरपंच हो गए प्रस्ताव पास, जनता का पूरा हो गया। बाद में हम सोच ले तो हमको अब जरूरत नहीं है, एक में सरपंच कहता है मैं काम करूंगा, सरपंच कहता है मैं करूंगा, और बहुत से पंचों बहुमत है तो सरपंच क्या क्यों से मिलकर करें।
राजेश शर्मा रायगढ़ जिलाध्यक्ष, किशोर राय महापौर बिलासपुर, आप सभी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दीपक सागरा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सांसद जामगीर श्रीमती कमला पाटले जी, सांसद कोरबा डॉक्टर बंसीलाल महतो जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत राज सम्मेलन में प्रतीकात्मक रूप से सभी जिलों से कुछ जनप्रतिनिधियों का नाम लिया जा रहा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कुमारी समीरा पैकरा, तिलक साहू उपाध्यक्ष जनपद विक्रम सिंह जी, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। रायगढ़ जिला पंचायत सदस्य श्री नरेश पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र रायगढ़ है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। कोरबा जिला पंचायत श्री गुलशन ऋषि जी, श्री रामदेव कुमार जी और जांगीर चापा के शकुंतला जी सिंह जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जिला सदस्यता प्रभारी विजय अग्रवाल जी राय, यशस्वी मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास परमादरणीय अजय चंद्राकर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। महामंत्री घनश्याम कौशिक जी, श्री जी हमारे प्रदेश प्रथम नागरिक महापौर महोदय, प्रदेश के महामंत्री सबन्ने जी, सभी सम्मान्य विधायक गण, इस संभाग के मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज का प्रणेता कहा। हमारी सरकार बनी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जिसको भारत रत्न भी थोड़े दिन मिला, जिसको हम SGRY की हो, जिस स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ